जैन धर्म ने जो धार्मिक परंपराओं को कायम ही नहीं रखा है तो उसमें वृद्धि की है। बच्चों से लेकर वयोवृद्ध तक सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं और कार्यक्रम फिर 6 बजे का हो, 7 बजे का हो, समय को न देखते हुए अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी को निभाने का काम जैन धर्म ने बखूबी निभाया है। तो निश्चित एक सांसद के नाते मेरा फर्ज बनता है, और मेरा तो 92 का पहले इलेक्शन से लेकर 7वें इलेक्शन तक पूरे 7 बार के इलेक्शन में जैन समाज का अन्य समाज के लोगों के साथ में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ऐसे कार्यक्रमों में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए चाहे अतुल जी हो, मैं हो, हमारे सारे नगर सेवक जो है समय समय पर आकर सिर्फ कार्यक्रमों को अटेंड नहीं करते हैं तो पूरे साल भर में जैन धर्मियों के ऊपर भगवान की कृपा से कभी कोई संकट तो आता ही नहीं है, लेकिन आता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी डट कर उनके साथ में खड़े रहती है। आज मालाड पूर्व पश्चिम के 32 जैन संघ एकत्र आकर जैन एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण धर्म की संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर जो है वो आगे आने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। साथ में 32 जैन संघ एकत्र आने के बाद इस पूरे विभाग में जूदया के काम को और ज़्यादा जोर से हम काम करेंगे, और इसके लिए आज का दिन ये एक बहुत ही हर्षोल्लसित और पवित्र इस प्रकार का दिन है। मैं पूरा समर्थन देने के साथ इतना ही कहूँगा कि जूदया के लिए जो भी करना है वो आने वाले दिन में हम सब मिलकर यहाँ का जनप्रतिनिधि के नाते आने वाले दिन में हम काम करेंगे। सर, जय महावीर। सर, जैन समाज सारा गुजराती है, गुजराती में शुभेच्छा दे दीजिए। जैन समाज ने आ पावन अवसर पर हमारा अंतकरणती शुभेच्छा आपू छू। जैन धर्म जे रीते धार्मिक परंपराओं ने कायम राखी छे, ये बीजा धर्मियों ने भी सीख आपे छे के केवी रीते धर्म साथ जोड़ाई रहू, धर्मनी वृद्धि केवी रीते करवानू, ये विशेषता है जैन धर्मनी। अने आज मलाड में 32 संघना लोको एक साथ आवीने एकतानो एक प्रतीक, एकतानो एक दर्शन आपवानुं काम अहींया कर्युं छे। तो हूँ एटलुं ज अपेक्षा करीश के भविष्यमां आपणे बधाए मळीने आ परंपराने कायम रखीए, भारत देशनुं नाम आखा दुनियामां केवी रीते रोशन थाय एना माटे आपणे बधा मळीने काम करीए। सिर्फ मलाड के 35,000 से ज्यादा जैन आज प्रभु महावीर की रथ यात्रा के लिए साथ में इकट्ठे हुए हैं। मलाड के सभी जन जैन आज आए हैं और पूरे विश्व की शुभ भावना को लेके, भारत हो, हमारा महाराष्ट्र हो, हमारा मुंबई हो, हमारा मलाड हो, या फिर कोई भी कम्युनिटी हो, सबके लिए अच्छी भावना लेकर महावीर के सभी संतान आज महारथ यात्रा में आए हैं। करीबन 5,000 से ज्यादा हमारे युवा मंडल, हमारे युवा ग्रुप साथ में कार्य करने के लिए आए हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे 5,000 से ज्यादा यहाँ पे आए हैं, हमारे बड़े गुरु भगवान 100 से ज्यादा श्रमण श्रमणी भगवान यहाँ साथ में आए हैं। 8 प्रभु के महारथ यहाँ पे देखने मिलेंगे। सबके अंतर में एक आनंद है, जैनों के अंदर एक उल्लास है, और यहाँ पे आप देखोगे तो भगवान के रथ के साथ 24 से ज्यादा यहाँ पे ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, पोर्श गाड़ी, सभी महावीर के भक्त वो अपने हृदय में भगवान के लिए की जो भावना है वो दिखाने के लिए आए। सबका विकास, सबका अच्छा कुछ भी हो वो भावना से सब जैन साथ में मिलकर ये महारथ यात्रा का यहाँ पे आयोजन किया है मलाड में। तो चलो हम सब पूरे विश्व के लिए अच्छी भावना हृदय में पकता है। प्रणाम। मैं मनीष मेहता, कार्यवाहक ट्रस्टी श्री मलाड जैन महासंघ का। मलाड के 32 संघों ने इतिहास में पहली बार एकता दिखाकर संघ एकता के लिए संकल्प किया है और श्री जैन महासंघ की स्थापना की है। उसके अंतर्गत जैन शासन के अभ्युदय के लिए जो भी कार्य रहेंगे वो हम लोग साथ में मिलकर करेंगे, और इसके बाद में इसकी प्रस्तुति के लिए सबसे पहला हमारा ये रथ यात्रा का समूह आयोजन किया है, जिससे शासन की एकता बढ़े, संघ एक हो, और जिन शासन की जाहो जलारी बढ़े और मानव जात में एक अच्छी भावना सबके लिए व्यक्त हो, जो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की भावना है वसुंधरा कुटुंबकम, वो भावना को विश्व में आगे बढ़ाए, बस वही भावना है। कितने मंडल अभी है आपके ये? हमारे यहाँ मलाड में टोटल 32 संघ है, छोटे मोटे मिलके सब संघों ने, समस्त मलाड के संघ एक ही मंच पे साथ में आए हुए हैं।
आज मलाड़ के 35,000 से ज्यादा जैन साथ में प्रभु वीर के महारथ यात्रा में सब जुड़े हैं। आज आज हूँ एटलू कहवा मांगू छू के मारा आटला 50 वर्ष इतिहास में आवो प्रसंग जे 32 संघों ने भेगा करीने रथ यात्रा काढ़वानो होय मलाड पूर्वमां एवं साहस ये अमरा एक ज युगंधर महाराज साहेब गुरु भगवान एमनो पूरो समुदाय मलाड़ बिराजमान तमाम गुरु भगवान દરેક ગુરુ ભગવંતો મલાડમાં બિરાજમાન દરેક ગુરુ ભગવંતો પણ સૌથી મહત્વની વાત એ કહું છું કે અમારા ધનંજય જે ગુરુ મહારાજ છે અમારે ત્યાં હમણાં હાલ સિદ્ધિતપ થયો, સિદ્ધિતપમાં 45 દિવસનું તપ હતું, એમાં બી એ રાત્રે ઊંઘતા નહોતા, કંઈ ને કંઈ કાર્યક્રમ એમને ચાલતા હતા, ત્યારબાદ આટલું મોટું જે ધનંજય વિજય મહારાજ સાહેબ આજની તારીખમાં કાલે 5 વાગ્યા સુધી અમારી જોડે દેરાસરમાં બધી આંગીની રચનાની વાતો કરતા હતા અને સવારે 6 વાગ્યા તો નીચે આવીને ઊભા હતા, તો હું મારા ગુરુ ભગવંતોના ખૂબ આભારી છું કે અમને પૂરી જૈન કોમિટીને એકતા કરવા માટે આટલું મોટું સાહસ કર્યું અને હું ગુરુજીને આશીર્વાદ માંગુ છું કે આવી રીતે અમારા દરેક સંઘમાં એમના આશીર્વાદ રહે। જય જીનેન્દ્ર, જય મહાવીર।